अस्सलाम वालेकुम माड़ियो भैनों ते माड़ियो भ्राओ, उम्मीद करना वा सो सारे वल होसो, अपने सोने रब ने हिफ्ज़ो अमान च होसो। मैं हूं मुबशर अहमद ते तुसां तकने पियो पटवाल टीवी। ते व्यूअर्स, अज सो की टिकाणा मैं जनाब किला रवात, अज सो किला रवात आले पासे जोरसां बारिश लगी सी ते मौसम बड़ा बारिश आला वे। ते जनाब बगैर इंतजार कराए सो की खड़सा किला रवात आले पासे ओत कासां मोटरसाइकिल ना थोड़ा जहा रेस ना मसला सी, ते ओ रेस ना इशू में सॉल्व कराने से मैं खलता हूँ इतना। फैजुल इस्लाम हाई स्कूल नाल है तक नेड़े वे, ठीक है, ए तक है मंदरा टुल प्लाजा। मौसम बड़ा खूबसूरत है, ते ए तक खलते हैं जनाब साड़ा मोटरसाइकिल। ते अल फजल होंडा सेंटर ते ए तक है जी साड़ा सोहने पाकिस्तान ना झंडा माशाल्लाह। ते बगैर इंतजार कराए जुने आ की चेक कराने हैं जनाब किला रवात। जी तो मौजूद भी और असा है किला रवात पहुंची है यहाँ। तो इसमें बारे तुसा की दसना चाह के इब्तदा विच इसने बारे च दसया जाना है कि इस किले की आम तौर पर सराय ने तौर पर इस्तेमाल होना होना सी, कि एज अ सराय ने तौर पर यूज होना होना सी। कोई इसमें अगर कंस्ट्रक्शन ने वाले ना तकिया जाए कमरे इसने इस तरीके ने कि इस तरह पता लगना है कि इसकी सराय ने तौर पर इब्तदा में यूज किया जाना सी। बाकी असा तुसा जुड़ने आ बाकी सौ के किले नहीं बाकी दीवारा शारा तो बाकी मामला तुसा की सारे चेक करासा। तो सारंग खान गखड़नी भी इतना कबर है वो भी जनाब तुसा की दिखासा नाल विजिट करासा इस किले ना। उम्मीद करना तुसा की वीडियो पसंद आवसी। इस वीडियो की एंड तेरे तक है जनाब। ऐ तो किला रवात ने बारिश लिखी है वह। रवात अरबी जुबान के लफ्ज़ रबात की बिगड़ी हुई शक्ल है। ते जी ते व्यूअर्स अगर इधरों इंटर होई है किले ने मेन गेट तो इधर पौड़ियां जी जानिया सन, पौड़ियां अपर जानिया जनाब। ते इधर दसिया जाना मैं कि यकीनन इत्थे कोई सराय ने गार्ड्स वगैरह या इस तरह ने बंदे इत्थे अपर खली के सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करने सन। ते असा ए तक पुछी आए ते ए तक है जनाब सिक्योरिटी ने यकीनन इत्थे निजाम इंतजाम आस्तै ये सन के भी कोई भी बंदा इधरों अगर पौड़ियां उपर भी जानियां ओ ते इसने नाल व्यूअर्स ऐ तको सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी रखी गई है बेहतरीन तरीके नाल। बाकी उधर पर है जुलने आ वो सारे मामला तुसां की तकाने आ बिल्डिंग वगैरह भी तकाने इसने बारे च इनफॉर्मेशन तुसां नाल शेयर करसा। ऐ तको मोजस व्यूअर्स ये इत्थे कोई घोड़े छोड़े या कोई चीज इस तरह नहीं बनने आस्तै है इस्तेमाल होने होने सन। हुण तो इधर कोई चूने छूने निजाम सटिया फिरने फिरने इस तरह ही मौजूद व्यूअर्स ये सारा ये इधरों की नहीं क्या इस जगह तक इंटरेस्ट नाल ए सारे इस तरह ने डॉट वगैरह तो बहुत ही खूबसूरती नाल इसकी काम किया गया है। तो इस तरह ही सारी इसकी कंस्ट्रक्शन तो लगना इस तरह वै कि माड़ी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या तो इतना कोई रहायशगाह वगैरह होनी होनी सी या मेहमाना शमाना वास्ते रहने वाला सराय ने तौर पर इब्तदा यूज किया जाना सी इस किले की। जी तो मोजस व्यूअर इस तरह मालूम होना वे कि इत्थे कोई घोड़े छोड़े बंधने होने सन या इस तरह का चक्कर सी क्योंकि कमरे ने इस तरह कंस्ट्रक्शन दी दिसनी है कि पुराने टाइम इधर कोई बनने होने सन घोड़े छोड़े या इस तरह ने कोई चक्कर सी।
बाकी अग्गे जुड़ने अग्गे तुसां गी तकाने आ एक कदीम किला वै जनाब जीटी रोड रवात ना रही है बिल्कुल असा स्ट्रांगली रिकमेंड कर सा तुसां कि जिसले भी तुसां आओ एक अपने सकाफती विरसा एक ओल्ड ट्रेडिशनल किला जरूर आ गए तको एथू नाल व्यूअर्स एथू पौड़ियां भी जानियां अपर ते पिछे महल्ले छल्ले भी हैन हुण तां बाद हो गए ते ए तक कोई मजार जा भी है इधर तकने आए क्या कोई चक्कर है ये उत्सव की जनाब तकाने आ ये तो कोई इंतहाई खूबसूरती नाल इसकी बनाया गया है ते नाल इत्थे मस्जिद भी है जिसकी शाही मस्जिद ने नाम दिता गया है किला रोहतास नी ये शाही मस्जिद है माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत तरीन मस्जिद है मैं कोशिश कर सा सो कि अंदर भी जाए कि अंदरों भी व्यू इसने तका इस मस्जिद ना इंतहाई खूबसूरती नाल बनाई गई है मस्जिद ते उतना ही खूबसूरती नाल इसकी मेनटेन किया गया है नमाज मगरिब ना भी अजान ना टाइम होने वाला है इंशाल्लाह नमाज शायद भी इधर ही पढ़ सा ते बाकी सो कि इतना व्यू भी तकाने मस्जिद ना तो को जनाब माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत शाही मस्जिद जेड़े आज तो तकरीबन कम से कम 400 to 500 साल पहले बनाई गई सी तो बाकी किले ने तुसें विजिट कराने आ बागीचा जो बनाया ने माशाल्लाह मस्जिद ना इंतहाई खूबसूरती नाल इसकी मेंटेन किया गया है इसने बारे च नहीं पता कि ये क्या चीज़ है ये किस वजह तो बनाया गया गलबन कुछ श्राइन वगैरह लगनी है मिकी ते जी तो मोजस वीयर्स ए सुल्तान सारंग खान गखड़नी कबर है जनाब ते वल मलक तातार खान गखड़ तारीख शहादत 1500 कुछ है ते ये किला सुल्तान सारंग खान गखड़ ने अंडर सी ते सुल्तान सारंग खान गखड़ ना दसिया जाना वै कि सुल्तान सारंग खान गखड़ ने इस इलाके ते इसने एरिए विच उसनी हुकूमत सी ते सुल्तान सारंग खान गखड़ ने बारे च ये भी दसिया जाना वै कि इन्हां नाल ग्रेट अलायंस सी मुगलां नाल ते मुगलां नाल अलायंस सी ते शेर शाह सूरी मुतद्दद दफा सारंग खान गखड़ की वार्न भी कीता कि तुसां ये किला छोड़ दो या ये मुगलां नाल अलायंस छोड़ दो तुसां साढ़े नाल रली जाओ ते असां तुसां नाल जंग वगैरह ना करने लेकिन एक सुल्तान सारंग खान गखड़ एक वफादार सी अपने दोस्त नाल दोस्तां नाल क्योंकि उन्हां नाल अलायंस सी मुगलां नाल ते उस अलायंस की सुल्तान सारंग खान गखड़ नहीं त्रोड़िया ते एदे वफा नभाई है मुगल जेड़े सन मुगलां नाल ते उस एदे वफा नभाने दी वजह तो मुतद्दद दफा शेर शाह सूरी इस किले की ते अटैक करने की कोशिश की ते वो नाकाम रहा लेकिन आखिरकार एक बहुत बड़ी फौज नाल इस किले ते उस अटैक किया ते सुल्तान सारंग खान गखड़ ते उस नाल 15 दसिया जाना मैं तारीख लेकिन एक के 15 बंदे नाल इसने बच्चे सन जो सुल्तान सारंग खान गखड़ ने इत्थे उन्हें की मारी दिता गया ते एक किला ते एक कब्रां उन्होंने यादगार ने जनाब ते उम्मीद करना वा मोजेस व्यूअर्स तुसां की अज नी वीडियो पसंद आई होसी मजीद ये जी इंटरेस्टिंग वीडियोज आस्तै मेरे चैनल की सब्सक्राइब करें ते इस वीडियो की लाइक एंड शेयर जरूर करें मिलने नेक्स्ट वीडियो उसलै जी अल्लाह हाफिज़।